जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आपको क्या सही बात लगती है कि फोन उठा नहीं रहे थे दोनों एक दूसरे का, या कुछ और बात है? देखिए, बहन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला। मैंने उनके हाथ में कभी आप मोबाइल उनके फोन बहन जी के ओएसडी थे, जी, मैंने उनके मोबाइल हाथ रखती में थी वो? कभी मोबाइल फोन नहीं देखा है। और बहन जी जब भी किसी टॉप लीडर से बात करती थी तो लैंडलाइन पे फोन आता था, हम लोग बात कराते थे। और मोबाइल मैंने पे बात कभी नहीं कराई? मोबाइल उनके पास था ही नहीं, मोबाइल आज तक हमने कभी उनको बात करते हुए उनका व्यक्तिगत मोबाइल नहीं देखा। मान लीजिए कहीं रूट पर हैं, अगर हम लोग बात करना चाहते थे तो सिक्योरिटी ऑफिसर या किसी उनके साथ जो और जो लोग थे उनके साथ उनको फोन मिला करके बहन जी से तब बात बात हो हो सकती सकती थी, थी। लेकिन उनका व्यक्तिगत कोई मोबाइल नहीं हमने आज तक देखा, जबकि उनके घर में रहे। जहां तक लैंडलाइन में, चाहे जितना ये तो विपक्ष कह रहे के हैं कि था कोई नंबर, विपक्ष के ये कोई क्या भी नेता अगर किया? फोन करते थे, हम लोग अगर उनको मैसेज करते थे, अगर मान लीजिए बाहर दौरे पे हैं तो भी अच्छा, हम मान लोग लीजिए कि लैंडलाइन पे फोन आता है, कोई बड़ा टॉप लीडर फोन करता है, वो कहना बात करनी बहन जी से, तो क्या प्रोटोकॉल होता था आप लोग का? देखिए, जब भी किसी नेता का या किसी कार्यकर्ता फोन क्यों ना आए तो उसको डायरी में नोट किया जाता है, उनका नंबर नोट किया जाता है, कितने बजे फोन आया था, बहन जी से बात करना चाह रहे हैं, किस मकसद से, मुलाकात के लिए बात करना चाह रहे हैं, तो ये बातें हम लोग बताते थे। तो इसके बाद आकर के बहन जी निशान लगाती थी कि मुझको बात कराओ बात कराओ, अगर किसी तो क्या बुलाना। वो इग्नोर भी करती थी किसी को? कोई लगातार उन्हें फोन कर रहा है और उससे वो बात उस पर टिक नहीं करती थी नहीं, कि ऐसा इनसे नहीं बात है, कराओ? ऐसा नहीं है, ऐसा लेकिन था? जो लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अनावश्यक डिस्टर्ब करने के लिए, मान लीजिए अच्छा, दिन जो भर फोन करते हैं, क्योंकि हाँ कल्चर है वैसे। हाँ तो ऐसे में ये होता था कि भाई अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से या पर मंडल टॉप लीडर को कभी इग्नोर नहीं किया? कभी इग्नोर नहीं किया। अगर छोटा मान लो जिला का पदाधिकारी कोई फोन करता था तो ये होता था कि आप कोऑर्डिनेटर से या मंडल अध्यक्ष से या अपने वहाँ के पर बड़े स्थानीय, नेताओं का टेलीफोन बहन जी इग्नोर नहीं करती थी। हमेशा बात करती थी। तो वो तो आज और अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा कि मैंने फोन मिलाया तो फिर वो उठाई मुझे नहीं। जहाँ तक ऐसा लगता है विजय जी, 2019 का जो अभी जो गठबंधन हुआ था, समाज को बहुत उम्मीदें जगी थी, लेकिन उस गठबंधन में पॉलिटिकल गठबंधन तो हुआ था लेकिन जो वोटर और सोशल के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपेक्षित सीटें समाजवादी पार्टी के फेवर में नहीं आई थी। तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के लीडरान और कार्यकर्ताओं ने शायद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ये दबाव बनाया हो, वोटरों ने दबाव बनाया हो कि बहुजन समाज पार्टी को 0 से 10 सीटें बढ़ गई, समाजवादी पार्टी अपनी जगह पर स्थिर हो गई है। तो हो सकता है कि क्या आपको लगता है कि परिणाम ठीक नहीं आए तो इन दोनों को लगा कि चलो थोड़ा तो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं? पर ये तो बच्चों की कसम खाने को तैयार हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा है कि समाजवादी मैंने पार्टी हालांकि की मना तरफ किया से, इन्हें। समाजवादी पार्टी की तरफ से हो सकता है श्री अखिलेश यादव जी को दबाव बन रहा हो कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने से हमको पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिला है, तो इससे बीएसपी ज्यादा फायदे में रही है। तो हो सकता है कि अगर बहन जी गठबंधन टूटती तो हो सकता है समाजवादी पार्टी तोड़ देती, तो हो सकता है मौके के मिजाज को बहन जी ने तड़ लिया हो, मौके के मिजाज और अंदाज को बहन जी ने तड़ लिया हो कि अगर फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं, लाइन पे नहीं आ रहे, तो अगर कहीं ये गठबंधन ना तोड़ दे, हमारा नंबर कम हो जाए, इसलिए समय से ये पहले आपकी उनको, बात तर्कसंगत लगती तो है? इसलिए समय से पहले बहन जी ने तोड़ दिया गठबंधन। इस तो बात तर्कसंगत है? ऐसे में हो सकता है समाजवादी पार्टी ने दूसरा फार्मूला तैयार किया हो कि जो बहन जी के नवरत्न थे, जो टॉप के पर वो लीडरान सब थे, तो स्टेट पे बैठे थे अखिलेश जी के साथ, वो क्या था फिर? हो सकता है कि वहां कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के चल रहा हो, और क्योंकि नीचे के बीएसपी के और छोटे कार्यकर्ताओं को मालूम नहीं था, तो क्योंकि हाँ ये कार्यकर्ताओं को है। मालूम था कि भाई समाजवादी पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है, तो जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और निर्वाचित सांसद है वहां से, अगर वो कार्यक्रम में जाएंगे, उन्होंने वोट दिया है, सांसद जी बनाया है, तो जी स्वाभाविक वहां के स्थानीय नेता मंच पे होंगे। धन्यवाद गंगाराम जी, मैं दूसरे चरण में आपको बाकी मौका धन्यवाद। दूंगा।